हेलो गाइज, माय नेम इज रंजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो रंजय चैनल. ओके, आप सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई भी होगा, कोई भी वीडियो आपके रिगार्डिंग, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, एक बेल आइकन होगा उसको आप क्लिक कर लो. ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कैसे आप इजीली कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं. मीन्स कई बार होता है कि वेटिंग लिस्ट आपको पता नहीं रहता है कि 14 वेटिंग लिस्ट है, 15 वेटिंग लिस्ट है, एसी में है, 3 AC, 2 AC और स्लीपर. तो ये प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है कि अगर इतने वेटिंग लिस्ट में हम अगर वेटिंग लेते भी हैं तो वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा. तो ऐसा मेथड है, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा मेथड है कि आपका टिकट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा उस प्रेडिक्शन से. ये साइट्स है IRCTC की, मैं खुद इसको अप्लाई करके देखा हूँ, लिया हूँ, ये कंफर्म हो जाता है, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ये होता है. और कैसे कंफर्म मिलेगा, किस तरीके से, हर डिटेल्स बता दूंगा. तो थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ होगा कि कई बार लोग तत्काल टिकट लेते हैं पर उनको ये भी नहीं पता होता है कि जो अगर 14, 10, 5 जो भी वेटिंग लिस्ट है उस पर अगर लेंगे तो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए उस स्टेशन से. तो इसी के बारे में सारा कुछ बताऊंगा, थोड़ा आपको इस पे वेबसाइट पे बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म मिल जाए. ओके, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को. चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि किस तरीके, अगर जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख देना. ओके, तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप टिकट कंफर्म पता लगा सकते हैं कि हम इस स्टेशन से कैसे टिकट लें कि वो वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म हो जाए आपको. और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है, मतलब 99% गारंटी है कि इस तरीके से आप वॉच करेंगे आपको टिकट बिल्कुल ही कन्फर्म मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले ये साइट है eTrainInfo. ओके, eTrainInfo, ये देखिए eTrainInfo, जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो पहला जो आ रहा है वो है आपका ये साइट eTrainInfo. तो मैं आपको एक ये साइट है इसके थ्रू मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेशन, दो स्टेशन के बीच में मैं देखता हूँ कि सीटें अवेलेबल है कि नहीं. इस साइट पे आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा. आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आप ट्रेन भी सर्च कर सकते हैं, उसका PNR स्टेटस भी देख सकते हैं, इसमें आप जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उसका रनिंग स्टेटस भी देख सकते हैं और उसका लाइव स्टेटस भी देख सकते हैं. तो सारा कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, ये काफ़ी बेहतरीन साइट है. IRCTC से आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बड़ी ही एक्यूरेट है. तो सब फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू दिल्ली लेते हैं, NDLS न्यू दिल्ली का कोड है, NDLS से कोलकाता ले लेते हैं. ओके सॉरी, ये आ रहा है NDLS. ओके एक मिनट, फिर से NDLS. ठीक है, और दूसरा कोलकाता लेते हैं, सॉरी हावड़ा लेते हैं. ये हावड़ा लेते हैं और डेट कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे 7 तारीख की लेते हैं. ओके, 7/12/2017. ठीक है, तो आप ये देखो इतनी सारी ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं. मीन्स ये सारी ट्रेनें हैं यहाँ से यहाँ के बीच में रन करती हैं. तो आपको अगर आप दूसरे साइड से देखते हैं या फिर तो परेशान होते हैं कि सीट अवेलेबल की नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो करेगा कि यहाँ पे वेटिंग है. ठीक है, अब देखिए ये जो है आपको ग्रीन कलर का जो शो कर रहा है ये, और इस पर आप जैसे ही बटन रखेंगे ये बता रहा है आपको कि कंफर्म हो जाएगा. और वेटिंग इसका दिखा रहा है कि वेटिंग दिखा रहा है रेड कलर में कि 2 वेटिंग है और ये कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, ये 15 वेटिंग है, कंफर्म हो जाएगा इस तरीके से. अब ये देखिए
ये ग्रीन के बाद का ये स्लीपर में अगर लेना चाहते हैं आप, 3 AC में कंफर्म हो जाएगा, वेटिंग अभी 15 चल रहा है और वो आज की डेट में आप लेते हो तो ये कंफर्म हो जाएगा, चाहे इंटरनेट से लो, ठीक है, इस तरीके से सारे में। अगर AC ट्रेन में स्लीपर में देखते हैं तो ये चांस बोल रहा है 52% चांस अप है। अप हैंड का मतलब ये हो भी सकता है नहीं, लेकिन ये 100%। अब इसका पूरा डिटेल मैं बताता हूँ कि कैसे हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल नीचे आ जाएगा। ये देखो आप कि 7 दिसंबर को इतना है और ये कन्फर्म होने का चांसेस बता रहा है। अब कितना परसेंट बता रहा है ये देखना ज़रूरी होगा हमें, ठीक है। तो इसका आप ये देखो, नो मोर अबाउट द नोटिफिकेशन, इस पर आपको मैं क्लिक करके शो करता हूँ कि क्या है। ये देखो इसका पूरा डिटेल दिया है कि अगर डार्क ग्रीन में है, हैज़ एक्सलेंट कन्फर्मेशन चांस ऑफ मोर देन 80%, 80% चांस है कि ये कन्फर्म हो जाएगा। लाइट ग्रीन है, 70%, ये भी कन्फर्म हो जाता है। इवन मैं यूज़ करके देखा हूँ, ये जो चांस बता रहा है आपको कि एवरेज कन्फर्मेशन, इसमें भी टिकटें कन्फर्म हो जाती हैं। इसका डिटेल दिया है कि वेटिंग लिस्ट अगर 10 है, पूरा डार्क ग्रीन है तो 10 तक है, तो ये आपको 80% चांस है कि आपका कन्फर्म होगा ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है। ये ग्रीन में जो ग्रीन शो कर रहा है नोटिफिकेशन, अगर 14 वेटिंग लिस्ट तक है आपको मिल रही है तो आराम से ले सकते हैं, 70% चांस होने का चांस है। अगर ये रेड में आ रहा है, ऊपर हल्का येल्लोइश आ रहा है, तो 21% एवरेज है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन कई बार हो जाता है इसको नहीं, लेकिन ये ऊपर ग्रीन का 100% आपको। और बाकी का दिया है कि अगर रेड में ये शो कर देगा नो चांस ऑफ, तो रेड का मैं दिखाता हूँ और इस तरीके का है, आप डिटेल देख सकते हैं सीट प्रेडिक्शन का। अब जैसे ये रेड का वेटिंग लिस्ट 6 है, लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये कंफर्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेड घेरे में आ गया है अकॉर्डिंग टू द ई ट्रेन इन्फो, ये देखो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको इसमें डिटेल बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आप एक स्टेशन से आप चाहते हैं कि इसी यहीं से मिल जाए, तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे स्टेशन अगर कर ले तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टिप्स है आपके साथ, तो इतना देखें हम। अब हम आपको एक टिप्स बता रहे हैं कि अगर आपको और कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो आप आगे पीछे दो स्टेशन जो है, अगर आप किसी स्टेशन पे हो, आप पीछे से ट्रेन आ रही है तो पीछे के स्टेशन पे भी सर्च करके आप यहाँ पे देख लो कि क्या वहाँ से सीट अवेलेबल है। कई बार वहाँ का कोटा होता है तो अवेलेबल होती है सीटें, ठीक है। अगर बॉम्बे से आ रही है हावड़ा तक जा रही है और वाया दिल्ली जा रही है ट्रेन, तो आप दिल्ली के और बॉम्बे के बीच में कोई स्टेशन है उस थोड़ा सा पीछे, उसका देख लो, वहाँ से आप टिकट कर लो और बोर्डिंग कर लो यहाँ से। हर बार आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा 80%। थोड़ा सा आप आगे पीछे करोगे तो आपको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं इसके। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।